नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज़ में। तो दोस्तों, आज भी आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रही है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब्सक्राइब नहीं किए हो सबसे पहले सब्सक्राइब करके रख लीजिए। शुरुआत करते हैं सेकेंड टेस्ट मैच के साथ में। तो भाई, सेकेंड टेस्ट मैच से पहले दो तीन बड़ी अपडेट्स आ रही है, तो आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहली बात, खबर आ रही है आवेश खान को जो है सेकेंड टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया के स्क्वाड में ऐड किया गया। जी हाँ भाई, आवेश खान जो है इंडिया ए के लिए मैच खेल रहे थे, अब आवेश खान जो है सेकेंड टेस्ट मैच के स्क्वाड में ऐड हो चुके हैं। क्या पता भाई वो खेले भी, हो भी सकता है। और सेकेंड टेस्ट मैच से पहले खबर आ रही है कि रविंद्र जडेजा जो है ना, जो इंजरी के चलते फर्स्ट टेस्ट मैच नहीं खेले थे, वो सेकेंड टेस्ट मैच में अवेलेबल रह सकते हैं। बहुत ही हाई चांस है, लगभग 90% चांस है कि जडेजा सेकेंड टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल रह सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी। साथ ही भाई, खबर आ रही है कि जो फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया का हुआ था, फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद जो है टीम इंडिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल से जो है 2 पॉइंट्स का नुकसान हो गया है ड्यू टू स्लो ओवर रेट। जी हाँ भाई, स्लो ओवर रेट के चलते टीम इंडिया का 2 पॉइंट जो है ऑटोमेटिकली कट चुका है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में। तो आप लोग जो है ना, नया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट टेबल देख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया, उसके बाद ये पूरा अपडेट हुआ है और टीम इंडिया नंबर 6 के स्थान पर फिलहाल आ चुकी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में। और ये जो है ना, सारी अपडेट मैंने आप सभी को सबसे पहले बहुत फास्ट दे दी थी हमारे टेलीग्राम पे। वहाँ पे आप लोग नहीं हो तो आप लोग ऐसी अपडेट को भाई मिस कर जाओगे। सिंपल सा आप सभी को एक काम करना है, मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का हमारे लिंक दिया है, क्लिक करो टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन करो, या फिर आप लोग आपके टेलीग्राम के ऐप पे जाओ, वहाँ ऊपर आप सभी को सर्च करना है क्रिकेट विद पवन, और इसको जरूर याद से ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सब यहाँ पे बहुत बड़ी खबर आ रही है संदीप लामिछाने को लेके। भाई, नेपाल के ये खिलाड़ी सुपरस्टार थे, लेकिन अब इन्होंने ऐसा घिनौना काम कर दिया है कि 18 साल की एक लड़की का जो है रेप किया है। और संदीप लामिछाने को जो है उनके कोर्ट, नेपाल कोर्ट ने जो है मतलब कि आरोपी बोला है कि हाँ भाई, इन्होंने रेप किया था 18 साल की लड़की का। तो अभी भाई ये कंफर्म है कि ये जेल जाएंगे। अब जो है संदीप लामिछाने की हियर मतलब कि हियरिंग होगी, और जो उनका अगला डेट रहेगा उसमें मालूम पड़ेगा भाई कि संदीप लामिछाने जेल जाएंगे कितने साल के लिए, क्या क्यों। न्यूज़ आएगी, मैं आप सभी को बता दूंगा। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक हरकत संदीप लामिछाने की है, ICC को भाई इनको एकदम से बैन कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं, एट दी एंड बात करते हैं हसरंगा की। तो भाई, हसरंगा को श्रीलंकन टीम ने उनका नया T20I कैप्टन बनाया है। जी हाँ भाई, श्रीलंका की टीम ने जो है, बोर्ड ने वहिंदु हसरंगा को नया T20I का कैप्टन बना दिया है। ये थी हमारी आज की सारी अपडेट्स, मैंने आप सभी के सामने रख दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।